अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की लास्ट 3 एपिसोड्स में हम आपको ले आए हैं लाहौर से आज़ाद कश्मीर और केल की वादियों में। अब हम आपको लिए चलेंगे केल से ताऊबट की तरफ, जो किसी वक्त में एक तवील और थका देने वाला सफ़र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक बेहतरीन सड़क मौजूद है। यूं तो सारा कश्मीर जन्नत नज़ीर वादियों से गिरा है, लेकिन केल से ताऊबट 40 किलोमीटर का ये सफ़र कश्मीर के असल और खूबसूरत रंगों पर मबनी एक ऐसा मजमूआ है कि जैसे आप वक्त में सैकड़ों साल पीछे सफ़र कर रहे हों। नहायत सादा तर्ज ज़िंदगी और लकड़ियों से तामीरशुदा घर और उनके साथ लगकर चलता नीलम दरिया, ये सब आप मुलाहिज़ा करेंगे आज की इस एपिसोड में, जिसमें सफ़र के साथ साथ हम करेंगे ताऊबट में कैंपिंग और बहुत सी इंजॉयमेंट। तो चलिए आगाज करते हैं विंटर्स इन आजाद कश्मीर की एपिसोड नंबर 4 का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2024 और मैं मौजूद हूँ केल में। इस वक्त मैं 32 ब्रिगेड आर्मी गेस्ट हाउस में हूँ और आप ये मेरी सराउंडिंग में जो देख रहे हैं, ये 32 ब्रिगेड का गेस्ट हाउस है। तो इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और वी आर अबाउट टू जस्ट लीव टू ताऊबट, और ताऊबट में जाएंगे, वहाँ पर कोशिश करेंगे कि रात की कैंपिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओके व्यूअर्स, सफ़र शुरू हो चुका है केल से ताऊबट का। अब ये हमारी गुड लक समझ लीजिए या विंटर का लेट होना समझ लीजिए कि रास्ते तो अच्छे हैं, बट यकीन कीजिए अगर कुछ मौसम इस तरह का मिल जाता तो मज़ा आ जाता। एनीवे, इस जनवरी 27 सड़कों की जो सूरत हाल है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, बता तो यही रहे हैं, लेकिन जाके इंशाल्लाह देखते हैं। LNG ये चेक पोस्ट है केल से ताऊबट जाने से पहले, आप यहाँ पे एंट्री करवाते हैं। और आगे अब 40 किलोमीटर का सफ़र है जो कि अब अच्छे मौसम में कर रहे हैं, रोड्स की कंडीशन भी बहुत बेहतर हो चुकी हैं, तो आपको ताऊबट अच्छी कंडीशन में दिखाते हैं, क्योंकि पहले केल से ताऊबट जाना ख़तरे से खाली नहीं था, जो कि अब भी नहीं है, लेकिन अब ये है कि 50% जो रोड है वो बन चुकी है और बाकी जो काम है वो जारी है। इंशाल्लाह आई गेस इन नियर और टू यहाँ पर पूरी रोड बन जाएगी और तमाम जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं उनका आना बहुत आसान और एक्सेसिबल होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे 4x4 तो ज़रूरी गाड़ी है, उसकी वजह के यहाँ पे जो चढ़ाइयाँ और गाड़ी का ज़ोर है वो बहुत लगता है। तलहा इज़ ऑलवेज तलहा। नहीं जी, मुलाहजा फरमाएं, ताऊबट का न्यूली बिल्ट रोड अभी इसको एक साल भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीने हुए हैं इसको बने हुए, तो पहले केल से ताऊबट जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और रोड बिल्कुल नहीं था। अगर आपने मेरी कश्मीर की एपिसोड नंबर 5 देखी है, ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि केल टू ताऊबट सफ़र कैसा था। तो वही सफ़र मैं दोबारा करने आया हूँ 2024 में और मैं देख रहा हूँ कि रास्ते बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना एक्सेसिबिलिटी है और इजी है रोड, सो यू कुड ट्रैवल इजीली, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये अभी मुकम्मल रोड नहीं बना है। 40 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसमें से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर का रोड तैयार है, बाकी सारा ऑफ रोड ही है, लेकिन ये है कि कुछ तो डिवेलपमेंट हुई है और वह डिवेलपमेंट आपके बिल्कुल सामने है। बम बम
दोपहर को कर रहे हैं ऑमलेट्स और ये केल से ताऊबट जाते हुए रास्ते में रुके हैं, पता नहीं कौन सी जगह। सो दिस इज द लोकेशन और नाश्ता करके कल के दोपहर का लंच भी और नाश्ता भी है, ये करके आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। लें जी यहाँ पे अब आइस क्रस्ट आप देख सकते हैं कि रोड पे मौजूद है। दो दिन से मेरा गला शदीद ख़राब है, बस उसकी वजह ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, सफ़र, थकावट, ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, अब ज़रा एहतियात से जाना होगा, नहीं तो वी कैन स्लिप। टायर जो है वो स्किड कर सकते हैं इधर बुरी तरह से। ये सामने पानी की चक्की मुझे अभी तक याद है। मेरी जो पिछले टूर की यादें हैं वो अभी तक ताज़ा हैं और जहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ सो आई कैन रिकॉल द पॉइंट्स। चलो ध्यान से ऊपर से आ जाइए, मड ज़्यादा है लेकिन ग्रिप अच्छी मिल जाती है। ले बाबा, मुझे लगता है फुल नहीं जनोई आ गए हैं। अगर जनोई आ गए हैं ना तो फिर काफ़ी करीब है। वॉशरूम आ गया, चलो करो फिर। होगा क्यों नहीं होगा, क्या ऐसी कौन सी बात। ले जी ये जनवई है, बिल्कुल जनवई है। हाँ आई एम श्योर, आई एम सर्टन हम जनवई से गुजर रहे हैं इस वक्त। किंदियाँ
बाबा जी तेन पता जिथे जाता अपना अगला निजाम बना लेंदा। हाँ हो सकता है। फिलहाल इंजॉय कर रहा अपनी ट्रेल है फुल टाइम। यार मेरा गला बहुत ज्यादा शरीर खराब है। अजायब घर जाना सी। मिड से थोड़ा सा आगे हैं हम। ये लेफ्ट साइड से जा रहा रास्ता होगा। ये और ही है कोई, ये चट्टा कट्ठा का मेरा ख्याल यहीं से निकलता रास्ता। पूछोगे ना किसे? पूछूं ना मैं? पूछो मैं तो आगे नहीं, नहीं जहाँ से जहाँ पे तू रुकेगा ना वहीं पे वहीं से पूछूंगा। There is another check post. Okay, दोस्तों चेक पोस्ट से हो चुके हैं पार। जनोई गांव पीछे छूट गया, अब जा रहे हैं आगे। गैस आगे सारा टोटल ऑफ रोड ही करना पड़ेगा हमें हिलबर तक। क्या जी, आई एम सर्टन दैट वी आर एंटरिंग इन फुलवई। ये फुलवई गांव है जी। अस्सलाम वालेकुम। यस फुलवई। और आगे अब मेरा ख्याल सरदारी, उसके बाद हिलमट, फिर ताऊबट। सो लेट्स सी क्या आता है आगे। बब्बर शेर ये कहाँ जा रहा है शहजादा? जबरदस्त।
ले आओ ले आओ ले आओ। बड़े ही यार सातालो लोग हैं। ले जी फुलवई भी हो गया क्रॉस। वो तेरी खैरत है, वो तेरी खैरत है, जबरदस्त। अच्छा कहाँ किसकी ताऊबट की? नहीं नहीं आगे कुछ फूल लाने वहाँ तो करने। टेंशन ना लो, आपको छोड़ देंगे आपके गांव के करीब, ठीक है? फाइनली तलहा को उसकी स्नो मिली गई। वाओ चलो जरा नीचे भी चले। जंगो भाई दूर से घंटियां बजाते आ रहे हैं कि मेरी वीडियो बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। ताऊबट का एक और गांव सरदारी पहुंच चुके हैं और इससे आगे है हिलमट। हिलमट के बाद फिर ताऊबट। फाइनली हिलमत हम पहुंच गए हैं। ओके दोस्तों चेक पोस्ट जो है हिलमत की वो क्रॉस कराए हैं। अब आगे बताया तो ये जा रहा है कि आप इधर रुक जाएं, आगे खतरा है। खतरा ऐसा है कि जो कोरा है अब गेस्ट हाउस में रुकेंगे। ज़ाहरी बात है कि इतना दिन का सफ़र करके आए और आगे अगर हम ताऊबट तक ना गए तो फिर वो भी एक दिल परेशान होगा। तो चौकी क्रॉस कर चुके हैं जी, अभी आगे काफ़ी सफ़र है, तकरीबन आधा घंटा घंटा लग जाएगा हमें आगे जाते हुए। और वार्न किया गया है कि ज़रा ध्यान से जाइएगा, रोड पर कोरा है। तो देखते हैं क्या निज़ाम है आगे, निज़ाम दुनिया है भी कि बंद है। एनीवे कश्मीर की अब तक जर्नी का ये हमारा एक यादगार सफ़र था। मुझ समेत तमाम दोस्तों ने इस खूबसूरत सफ़र को बहुत इंजॉय किया और उस दिन के बाद हमें फिर कभी कश्मीर का सूरज दिखाई नहीं दिया क्योंकि अगले ही दिन हालात यकसर बदल गए। खैर कश्मीर के लोग हमें आता देख हैरान नजर आते कि साल के इस वक्त ये लोग यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हैं। चारों इतराफ खामोशी और अंधेरा और नीलम के पानी से मुंह जोड़कर चलती ठंडी और सर्द हवाएं। मुझे यहाँ ना तो खौफ महसूस हो रहा था और ना ही कोई मलाल। यहाँ की खामोशी कितनी पुरकशिश और सुकून देह है। ये शायद वहाँ के लोगों के लिए एक आम बात हो लेकिन शहरों से आए हम लोगों के लिए एक शानदार एहसास।
खैर हम हिम्मत से आगे बढ़े। आम तौर पर यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट्स रोशनियों से मुजयन होते हैं, लेकिन साल के इस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। हम आगे चलते रहे और आखिरकार ताऊबाट पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कौन गए हैं? बखैरियत? आधे 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 यहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही पुरखलूस कश्मीरी से हुई। रियाज भाई, जो कि ताऊबट के बासी हैं और हमारे लिए बिल्कुल अजनबी, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ हमें वेलकम किया बल्कि अपने घर ठहरने की दावत भी दी, जिन पर हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम केल से अपनी कैंपिंग का तमाम सामान हमारा लाए थे। हमारे पास कैंप, स्लीपिंग बैग, चेयर्स वगैरह और खाना भी मौजूद था। खैर, हमने एक मुनासिब जगह ढूंढी और वहाँ कैंप लगाने लगे और बाकी दोस्त आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने लगे। ये देखें, ये थोड़ा सा बोनफायर का निज़ाम है। ये खाना बिल्कुल हमारा गर्म है, इस वक्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इधर जनाब हमारा जो रमाज है भाई, ये देखें, हमारे पास ये एक पोर्टेबल स्टोव है जो कि आप देखते आ रहे हैं कि चाय वगैरह बनाने के लिए हमारे बड़ा काम है और खाना वगैरह। तो इसी तरीके से ये निज़ाम जो है ये हमने किया। लेकिन ताऊबट के तमाम होटल बंद थे और हमें रोटियां दरकार थी। इस सारी दौड़ में दो और नन्हे मेज़बान हमारे साथ जुट गए। रियाज भाई के दो बेटे हमारी मदद करते रहे, कभी ये पानी ला कर देते तो कभी रोटियां, ताकि रात के खाने का बंदोबस्त हो सके। ऐसे में रियाज भाई ने अपने घर से ना सिर्फ रोटियां तैयार करवाईं बल्कि अपने घर का एक कमरा भी हमारे लिए खोल दिया, ताकि अगर रात कैंपिंग के दौरान ज़्यादा ठंड या बर्फबारी हो जाए तो हम वहाँ क़याम कर लें। और ये मेहमान नवाजी कश्मीरियों की एक नुमाया खूबी है। हाँ जी, एंजॉय हो रहा है बाबा। आ जाए जनाब। भाई वो लकड़ी देखो फट के कहाँ पे गिरी है, आ गया आपके। इस टाइम भूख लगी हुई है। क्या बात, इस टाइम हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठ के ना खाना नोश फरमाओ। अच्छा, ये सामने ना, बिल्कुल सामने इधर रमाज बैठा ना, इसके बिल्कुल पीछे ताऊबट का वो आधा पुल है जो हम देखने आए हैं, उसको इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त खाना खाने लगा हूँ, दोस्त शरीर गुस्सा हो रहे हैं कि खाना खा ले ठंडा हो जाए। कश्मीर की सर्द रातें और हम चार दोस्त, शबे तारीक में लगाए तकिए और तैयार की आग, खाना बदोश जिंदगी के लुत्फ लेते हुए, खैमजन वीरानों में कहीं बैठे हुए, अंधेरों में लिपटी खामोशी और नीलम का शोर, उफक पर उजला चांद और तारों की डोर, बेदार अंधेरों की नींद लेते हुए, चंद लम्हों की खुशियां समेटे हुए, यादों को बांध लाएंगे हम अपने तौर, आह के फिर से लौट जाएंगे शहरों की ओर। लो जी शबाज भाई, मेरे हाथ से एक बुर्की लाजमी, गरम ध्यान से। कश्मीर का कड़म खाया एकदम जो है। लेकिन अगर कोई बनाने वाला करो, बड़ी जबरदस्त। हमने खाया नारा में, खाया था। अच्छा, किसी ने नहीं।